आज हम 3 लीटर दूध से पनीर बना रहे हैं। मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है, आप चाहें तो टोन मिल्क से भी पनीर बना सकते हैं। इसे पहले हम उबालने रखेंगे और उबाल आने तक इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। मैंने आधा कप विनेगर लिया है, मैं धीरे धीरे करके इसमें विनेगर डालूंगी। हमें तब तक विनेगर डालना है जब तक हमारा दूध ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाए। दूध में उबाल आ गया है, धीरे धीरे करके मैं इसमें विनेगर डाल रही हूँ। जितनी जरूरत होगी मुझे उतना ही विनेगर मैं डालूंगी। ये देखिए दूध एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है, आप देख सकते हैं दूध का पानी और इसका छेना बिल्कुल अलग हो गए हैं। अब हम इसकी हीट बंद कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे। हमें अब पनीर को छानना है, इसके लिए मैंने एक पतीला लिया है, एक छलनी मैं ले रही हूँ और एक कपड़ा। कपड़ा आप ऐसा लें, पहली बार तो साफ हो और दूसरा इस तरह से हो कि पानी उसमें अच्छे से निथारा जाए। अब मैं ले हुए दूध को जो हमने पनीर के लिए फाड़ा है इसे छान लूंगी। अब हमें इसे ठंडे पानी से धोना है ताकि विनेगर का जो खट्टापन है वो निकल जाए और दूसरा ये ठंडा हो जाए और इसका कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाए। हमने इसे अच्छे से धो लिया है, इसको हमें ठंडा करना है। इसको एक बार ऐसे बांध के अभी हम फिर से इसको ठंडे पानी में रखेंगे। कम से कम 15 मिनट हम इसे ठंडे पानी में ऐसे डुबो कर रखेंगे ताकि जो थोड़ी बहुत गर्मी इसमें हो वो उसकी निकल जाए। 15 मिनट हो चुके हैं इसे ठंडे पानी में रखे हुए, अब मैं इसे निकालूंगी। अब इसे निकाल के मैं इसका एक्स्ट्रा पानी निचोड़ लूंगी, जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो निचोड़ लूंगी। मैं चाहती हूँ पनीर जब बने तो उस पीसेस में अच्छे से कर पाऊँ, तो मैं थोड़ा सा इसको इस कपड़े की ही सहायता से थोड़ा शेप दे दूंगी। अब हमारा काम ये है कि हमें किसी भारी चीज से इसको दबाना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। मेरे पास ये है पत्थर, मैं इसे रख रही हूँ और इसे कम से कम 2 घंटा मैं रखूंगी। हमारा पनीर तैयार हो गया है, अब हम इसके पीसेस काटेंगे। इसे आप ताजा भी खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। अगर आपको तुरंत बनाना है तो ताजा ताजा आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको 2 दिन बाद बनाना है या 4 दिन बाद बनाना है तो भी ये ऐसा ही फ्रेश रहे। इसके लिए आपको एक बोल में पानी ले लेना है और पनीर को उसमें डिप कर देना है, तो आपका हफ्ते तक पनीर बिल्कुल सही रहेगा। आप हफ्ते के अंदर उसे बना लीजिए, आपको वही ताजगी मिलेगी।